हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है मेरे ब्रेसिस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ बताइए कि सिरेमिक ब्रेसिस और मेटलिक ब्रेसिस में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। तो सबसे पहले, जो मेटलिक ब्रेसिस होते हैं वो मेटल के होते हैं और उसमें मेटल की ही वायर होती है। और सिरेमिक ब्रेसेस जैसे आप देख सकते हैं, ये है सिरेमिक ब्रेसेस। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम सिरेमिक ब्रेसेस जल्दी से येलो हो जाते हैं। तो हाँ, मुझे भी ये फील हो रहा है, जैसे कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा येलोइश से कलर आ रहा है। बट जो ब्रेसेस के ब्रैकेट हैं वो मेरे वाइट हैं, बट जो उसका रबर बैंड जो लगते हैं इसके ऊपर आगे पीछे, तो वो येलो शेड में आ रहे हैं। क्योंकि जो हम येलो फूड इनटेक करते हैं, जैसे कि हम लोग दाल ये सब सब्जी वगैरह खाते हैं, जो कि इंडियन फूड में नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हल्दी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स टर्मरिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इनमें येलोई शेड आ जाता है, कलर ये कैप्चर कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आता है। तो मैं डॉक्टर से इस चीज़ का ज़रूर आपको सजेशन करके बताऊंगी, बात करके बताऊंगी कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और इसका क्या रीज़न हो सकता है और इसको कैसे ठीक करें। और दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे टीथ में आ रही है वो ये आ रही है कि आप देख सकते हैं अल्सर की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ये देखिए, अभी तो दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे दो जगह में बहुत ज़्यादा मेरे कट लग रहे हैं। एक तो इस चीज़ से बहुत कट लग रहा है यार, इस चीज़ से, क्योंकि जब हम लोग ब्रेसेस ब्रैकेट्स जो ये लगे होते हैं, तो इनके जो कोने हैं, कॉर्नर हैं, उससे बहुत ज़्यादा मींस प्रॉब्लम आ रही है। उससे मेरे टिप में बहुत पेन हो रहा है। तो ये जो लिप्स में टच हो रहे थे, कट रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरी स्वेलिंग आ रही है। तो इसके लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन जो प्रॉब्लम इससे आती है ब्रेसेस के बाद, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है रेटिका। और जो आप लोग गैप के लिए पूछ रहे थे, गैप आप देख सकते हैं कितना है। तो ये है मेरा सही पोजीशन। तो जो हमारे जो ये अल्सर की प्रॉब्लम जो आती है, जैसे कि मुझे यहाँ आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पे दो जगह पे आ रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक ब्रेसेस का ही वैक्स आता है, डेंटल वैक्स बोलते हैं उसको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं उसकी पिक्चर आपको दे दूँगी यहाँ पे। तो डेंटल वैक्स यूज़ कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसको वैक्स को आपने ऐसे करके सॉफ्टन अप करना है, और जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पर लगाना है। तो मैं एक दो दिन में ये लेने वाली हूँ, जिससे कि वो यूज़ करूँगी। उससे क्या होगा कि जहाँ पे भी ये जो भी इनका जो नोक टाइप निकली रहती है, मीन्स जैसे जो बॉक्सेस रहते हैं इनके साइड कॉर्नर्स जो निकले रहते हैं कॉर्नर्स, तो उसको वो प्रिवेंट करता है। तो मैं अब जो लूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपको पिक्चर और उसका नेम शेयर कर देती हूँ, डेंटल वैक्स उसको बोलते हैं। आप वो ले सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग को अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है, आपके छाला हो रहा है मुंह पे, तो आपको एक ट्यूब आती है अल्सर की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पिक्चर उसकी शो कर देती हूँ, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल नाइट में लगाया था तो अब बिल्कुल ठीक है, बट बार बार वो कट रहा है, तो मुझे डेंटल वैक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो और जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जब तक मेरे ब्रैकेट्स लगे हुए थे सिरेमिक वाले, तो वो वाइट ही थे, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया। बट जब उसके बाद उसमें जो रबर बैंड्स, ये जो सर्कल में छोटे छोटे लगते हैं, वो येलोइश कलर में आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो उसकी वजह से मेरे टीथ में थोड़ा येलोइश शेड आ रहा है, जिससे कि दांत थोड़े येलोइश दिखाई दे रहे हैं, टीथ मेरे थोड़े येलोइश दिखाई दे रहे हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जल्दी से सिरेमिक ब्रेसेस कोई नहीं बता पा रहा है कि आपने ब्रेसेस लगाए हैं। और इतना, जैसे कि अभी मैं आप लोगों से वीडियो में भी बात कर रही हूँ, तो इतना शोन नहीं हो रहा है कि मैंने ब्रेसेस लगाए हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव वो है, जैसे कि आप बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है।
कि आप लोगों को ब्रेसेस नहीं दिखाई देंगे इतनी जल्दी से, अगर आप लोग किसी को बहुत बारीकी से या किसी को बहुत ध्यान से ऐसे देख रहे हैं तभी दिखाई देंगे जैसे कि अलग देख सकते हैं। और मेटेलिक ब्रेसेस बहुत ज़्यादा शो होते हैं, मीन्स दिखाई देते हैं जल्दी से, दूर से भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो और जो भी पॉइंट आप लोगों को चाहिए, आप लोगों के लिए कैविटी की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो तब तक आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।